छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही सोमवार से पुनः शुरू हुई है। कार्यवाही के दौरान सबसे पहले पूर्व सांसद सोहन पोटाई के निधन पर सदस्यों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बोलते हुए पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सोहन पोटाई का जाना एक अपूर्णीय क्षति है। तो सोहन पोटाई जी थे, हमारे मित्र थे, मेरे तो पारिवारिक सदस्य जैसे थे। उन्होंने एक बार विधायक का चुनाव भी लड़ा, परंतु उसमें सफलता प्राप्त उनको नहीं हुई। और एक ऐसा व्यक्तित्व जो बस्तर की आवाज बनकर पूरे देश में गूंजा और जिसने अपना एक स्थान बनाया और बाद में सर्व आदिवासी समाज के नाम से उन्होंने काम शुरू किया और आदिवासियों की कठिनाइयों को, उनकी तकलीफों को उन्होंने बुलंद किया। अचानक उनको कैंसर हो गया, पिछले 6 महीनों से वो जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहे थे। और एक ऐसा व्यक्तित्व, शायद ये समय उनका नहीं था कि वो हमारे बीच से चले जाए, परंतु वो हमारे बीच में नहीं रहे। हम उनकी आत्मा को शांति मिले ये प्रभु से कामना करते हैं, उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति मिले ये प्रभु से कामना करते हुए मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से उनके प्रति बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।